नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस से सस्सी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल पे। दोस्तों, हम इस वीडियो में साइंस के उन प्रश्नों को करा रहे हैं जो आपके रेलवे सस्सी में बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं। दोस्तों, इसी तरह से हमारा मैथ का भी सीरीज चल रहा है जो आपके प्रीवियस पेपर में पूछे हुए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, हम उन्हीं प्रश्नों को करा रहते हैं। चलते हैं दोस्तों आज का हमारा पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि साइंस का है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों दोस्तों आप लोग इसका बताइए आंसर क्या होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन है, निम्न में से कौन प्रकृति में अम्लीय होता है। दोस्तों, निम्न में से कौन प्राकृतिक में अम्लीय होता है, दोस्तों आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है टमाटर, ऑप्शन बी है नींबू का रस, ऑप्शन सी है नारंगी, ऑप्शन डी है सभी विकल्पों में से। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसमें से अम्लीय प्रकृति दोस्तों इन टमाटर, नींबू का रस, नारंगी सभी में होता है। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। दोस्तों, ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दोस्तों, आप लोग इसका आंसर बताइए। अब दोस्तों, आप पहले किसी भी वीडियो को देखने से पहले आप उसका खुद से आंसर हल लगाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो है, घरों में तारों के प्रयोजन के लिए सर्किट में कैसे जुड़े हुए होते हैं। घरों में जो तारों का प्रयोजन होता है दोस्तों, वो सर्किट से कैसे जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके सस्सी रेलवे दोस्तों ग्रुप डी में तो कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लोग इसका आंसर बताइए। जो घरों में तारों का प्रयोजन लगाया जाता है दोस्तों, वो सर्किट से कैसे जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों, आपका होगा श्रृंखला, समांतर, सामयिक, सीधे। दोस्तों, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, जो घरों में तारों को लगाए जाते हैं, जो तारों का प्रयोजन होता है दोस्तों, वो सर्किट से समांतर में जुड़े होते हैं, दोस्तों पैरेलल में जुड़े होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, इसी तरह से हम साइंस के प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली दफ़ा आए तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, आज के हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। दोस्तों, आप लोग इसका आंसर बताइए इसका क्या होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थ्री का आप लोग आंसर बताइए। दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थ्री है, भोजन में निम्न में से किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो भोजन होता है उसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों, जो भोजन है निम्न में से किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग, जो मतलब जो चीज़ भोजन में से क्या है जिसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए दोस्तों आयोडीन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, मतलब समझ में आया क्या क्या रहा क्वेश्चन, तब उसके बाद आप उसको आंसर बताइए। जो भोजन होता है उसमें ऐसी मतलब किसकी स्थिति जो रहती है उसका परीक्षण का पता लगाने के लिए हम आयोडीन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है फैट, ऑप्शन सी है स्टार्च, ऑप्शन डी है विटामिन। दोस्तों, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर होगा स्टार्च। भोजन में जो स्टार्च है इसका परीक्षण का, इसकी स्थिति मतलब इसकी उपस्थिति है कि नहीं है, इसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए दोस्तों हम आयोडीन का उपयोग करते हैं भोजन में। दोस्तों, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा स्टार्च। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। दोस्तों, ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फोर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर को दोस्तों पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर है, थायराइड ग्रंथ निम्न में से शरीर के किस भाग में स्थित है। जो थायराइड ग्रंथ होती है दोस्तों, शरीर के किस भाग में पाई जाती है। दोस्तों, ऑप्शन है सिरा, ऑप्शन बी है गला, ऑप्शन डी है छाती, ऑप्शन डी है उदर। दोस्तों, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों गला होगा। दोस्तों, जो आपकी थायराइड ग्रंथ होती है ये गले में स्थित होती है। दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, आज के हमारे क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव। दोस्तों, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फाइव है, चींटी में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक है हाइड्रोलिकम, हाइड्रोक्लोरिकम, ऑप्शन बी है फार्मिक अम्ल, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी एथेनोइकम। दोस्तों, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फार्मिक अम्ल। दोस्तों, चींटी में जो कि है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, हम किसी भी आपके प्रश्न में इतना टाइम नहीं ले रहे। दोस्तों, आपको दिखाना चाह रहे किस तरह से प्रश्न आता है दोस्तों, साइंस में भी ऐसे मैथ में भी। दोस्तों, अभी टाइम आपका जाएगा, आप लोग जल्दी देखिए, पढ़िए, समझिए। आप बहुत लोगों को दोस्तों ये आता होगा, लेकिन आप लोग देखिए देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ दोस्तों आपको बताने लायक रहेगा कुछ एक्स्ट्रा, वहाँ मैं ज़रूर बताऊँगा आपको।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप मेरी बात को समझ रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों इस सीरीज का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी कान में हड्डी पाई जाती है? निम्न में से कौन सी कान में हड्डी पाई जाती है? दोस्तों इसमें से कौन सी हड्डी जो कान में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए इनकस, ऑप्शन नंबर बी है स्टेपिस, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, दोनों। दोस्तों आपके कान में जो है इनकस भी पाई जाती है, इनकस भी पाया जाता है और स्टेपिस भी पाई जाती है। दोस्तों ये दोनों हड्डियाँ आपके कान में पाई जाती है, इनकस और स्टेपिस। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों हम इसी तरह से आपके साइंस के जो आपके SSC और रेलवे ALP में दोस्तों और MTS में प्रीमियम में पूछे हुए पेपर हैं दोस्तों, हम उन्हीं को करा रहे हैं मैथ और साइंस के सीरीज में। और दोस्तों जो कि आपके आगामी आने वाले आपके NTPC और RRC और DRDO और दोस्तों आपके MTS में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो दोस्तों, इसी तरह से आपको साइंस और मैथ के वीडियो पाने के लिए जो प्रीवियस पेपर में पूछे हुए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लाइक और शेयर करिए। दोस्तों हम बता दें आप लोगों, इसी तरह से मैथ का भी हम दोस्तों सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, जो कि आपको ट्रिक आसानी से करा रहे हैं, जो कि दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन जो हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि रेलवे और दोस्तों रेलवे में ELP और ग्रुप डी और दोस्तों आपके DRDO MTS में SSC में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा वीडियो। दोस्तों चलिए मिलते हैं आपको इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।